बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर को लेकर एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के घर में बीती रात आप सभी दर्शकों ने देखा कि तीन वाइल्ड कार्ड एंट्रियां हुई थी, जिनमें से नाम है कविता कौशिक का, नैना सिंह का और शार्दुल पंडित का। और आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे शार्दुल पंडित के बारे में, शार्दुल पंडित के अननोन फैक्ट्स के बारे में हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि क्या है शार्दुल पंडित की कहानी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शार्दुल पंडित की जन्म जो है वो 18 नवंबर 1985 को इंदौर में हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश शहर में हुआ था। इसके बाद आप सभी दर्शक जानते होंगे शार्दुल पंडित जो हैं एक आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी रेडियो जॉकी विद रेडियो मिर्ची से की थी। इसके बाद हम आपको बता दें कि शार्दुल पंडित का जो नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज करवाते हुए इन्होंने ये साबित किया कि वो लगातार 24 घंटे तक बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था शार्दुल पंडित ने, तब हर कोई हैरान था। इसके बाद जो है शार्दुल पंडित ने एक्टिंग करियर में अपना जो है वो अपना करियर जो है वो स्थापित करने के लिए मुंबई आ गए। इसके बाद मुंबई में आने के बाद इन्हें अपना पहला ब्रेक मिल गया और पहला टेलीविजन शो मिला जिसका नाम है बंदनी। रोनित रॉय के साथ पैरेलल लीड निभाने का मौका मिला शार्दुल पंडित को। शार्दुल पंडित इसके बाद कितनी मोहब्बत है मैं भी नजर आया और बहुत सारे टीवी शोज में नजर आने के बाद वापस से ये रेडियो जॉकी में काम करने लगे, लेकिन दुबई चले गए थे और दुबई में वो काम करने लगे। और दुबई में काम करने के बाद साल 2015 में वापस से मुंबई आ गया और वापस से 9XM और sportboy.com को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। इसी बीच में जो है शार्दुल पंडित ने एक शो भी किया था NDTV पर जो आता था कुलदीपक नाम से, और साथ ही साथ इस शो के बाद जो है शार्दुल पंडित को काफी पहचान मिली। इसके बाद हम आपको बता दें कि सबसे बुरा साल शार्दुल पंडित के लिए था साल 2020, जब साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान शार्दुल पंडित का एक इंटरव्यू सामने आया था और उस इंटरव्यू में शार्दुल पंडित ने यह कहा था कि उनके पास के सारे के सारे पैसे जो हैं वो खर्च हो गए हैं और साथ ही साथ वो मुंबई में सरवाइव नहीं कर सकते और इसीलिए वो अपने होम टाउन इंदौर में चले गए थे, जहां पर उनकी मम्मी और बाकी के कजन, उनके फैमिली वाले उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसी बात को लेकर काफी जो है चर्चाओं में भी थे शार्दुल पंडित। इसके बाद हम आपको बता दें कि शार्दुल पंडित ऑलमोस्ट जो है अपने एक्टिंग करियर, अपने आरजे वाले फील्ड को छोड़कर इंदौर में जाकर सेटल होना चाहते थे, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे दोस्त थे शार्दुल पंडित के जो कि उन्होंने मोटिवेट किया शार्दुल पंडित को, और शार्दुल पंडित को मोटिवेट करके मुंबई में रहने के लिए उनसे कहा। और उनमें शामिल है कविता कौशिक, अंकिता भार्गव, पवित्र पुनिया और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी दोस्त हैं जिन्होंने मदद किया शार्दुल पंडित को, और शार्दुल पंडित जो है बिग बॉस सीजन 14 में अब नजर आ रहे हैं। बिग बॉस सीजन 14 में जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी थी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कब तक आगे जाएंगे और कहां तक ये अपने गेम को सर्वाइव कराएंगे, ये सारी की सारी बातें आप हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं दोस्तों। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और कंटेस्टेंट की बायोग्राफी को लेकर। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हिंदुस्तान न्यूज की रिपोर्ट।